अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ अपने प्लांट से कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और आज जो है मिर्चें भी रेड हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, और मेरे जो टोमेटोज़ लगे हुए थे वो भी जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं। कुछ जो हैं वो उतार रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे टोमेटोज़ उतरे हैं मेरे छोटे छोटे प्लांट्स से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, अल्लाह ताला ने इनको कितना प्यारा कलर दिया है। और इसके बाद बनाऊँगी खाना। आज शबे बारात भी है और आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ़ से शबे बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का मुबारक दिन है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको सेहत दे, सबको ज़िंदगी दे, सबको अल्लाह ताला कामयाब करे अपनी अपनी ज़िंदगी में, सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत दे। यहाँ बन रहा है जो हमारा ट्रेडिशनल जो खाना होता था, हम लोग बचपन से ऐसे ही खाना खाते थे। अक्सर चना पुलाव बनता था हमारे घर में और इस तरह का सालन बनता था, या फिर चिकन का पुलाव बनता था, मटन का पुलाव बनता था, इस तरह की कोई ना कोई ज़रूर चीज़ बनती थी। तो सोचा अब मैं ये बनाती हूँ, शाम में कुछ और बना लेंगे या फिर बाहर कहीं चले जाएंगे घूमने फिरने के लिए, बच्चों को लेके थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। और ये जो मेरी कैट है आप लोगों को दिख रही है, ये जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरे साथ किचन में ऐसे ही रहती है, बैठी रहती है और मुझे देखती रहती है। और अब जा रही हूँ मैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान की कुछ शॉपिंग करनी है उससे रिलेटेड, लाइक मुझे कुछ बेड शीट्स लेनी है न्यू वाली। आगे ईद भी आ जाएगी और फिर रमज़ान पूरे में मैं शायद बाहर ना जा पाऊँ, क्योंकि मुझे गर्मी काफ़ी लगती है बाहर जाके, और काफ़ी ज़्यादा जो है रोज़ा रख के तो बहुत मुश्किल हो जाता है जाना, लेकिन फिर भी अक्सर निकल ही जाते हैं। लेकिन सोचा कि चलो कुछ काम जो है मैं पहले कर लेती हूँ, कुछ जाय नमाज, एक दो जाय नमाज लूँगी और ये साथ में कुछ बेड शीट्स जो हैं पिछली ईद में और उसके बाद एक दफ़ा मैंने ली थी, और कुछ पाकिस्तान से लाई थी जो कि काफ़ी अर्सा निकल गया, अब सोचा कि कुछ चेंज करते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ, शारजा रोला मार्केट में गई हूँ, वहाँ पे एक शॉप है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं ऐसी आपको हर जगह हर गली में नज़र आएंगी। तो सो मैं जिस शॉप में गई हूँ उसका आपको विज़िट करवा रही हूँ। सारी जो शॉप्स हैं उनमें ऐसे ही बेड शीट्स हैं, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की लगी हैं, लेकिन इसी तरह उन्होंने अरेंज करके रखी हैं और इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, माशाल्लाह दिल करता है सारे ही ले लें। लेकिन मैं जो अपने हिसाब से बच्चों के रूम के हिसाब से जो हमारे रूम में कर्टन वगैरह लगे हैं या जो फर्नीचर है उसी हिसाब से कलर कम्बिनेशन करके चीज़ें लेती हूँ। तो जो बच्चों के हिसाब से कुछ ग्रे टाइप कलर होते हैं, कुछ इस तरह के बच्चे बहुत डार्क कलर पसंद नहीं करते, तो उनको इस तरह के लाइट लाइट कलर अच्छे लगते हैं। और अपने लिए भी कुछ लूँगी, दो तीन अपने रूम के लिए लूँगी, फिर कुछ बाद में लेंगे इंशाल्लाह, ईद के बाद भी इंशाल्लाह चेंज करूँगी थोड़ा, लेकिन अभी जो मैं ले रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ काफ़ी अच्छी बेड शीट्स हैं और आप लोगों को दिख रही होंगी, काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, यकीनन सबको ये होगा कि किस तरह मीटर है ये, तकरीबन 4 दरम जो है वो पर मीटर के हिसाब से दे रहे हैं। हर किस्म का कपड़ा जो भी आप यहाँ पे, काटन सैटन है, सादा काटन है, और एक जैसे होटल में यूज़ होता है कॉटन, जो अच्छी वाली काटन वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, स्ट्रिप्ट वाला होता है कपड़ा, और वो भी तकरीबन इतना ही है, 4 दरम में उसका रेट है पर जो मीटर के हिसाब से देते हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सिलाई भी करके दे देते हैं सारी शॉप्स में, ये नहीं कि इस शॉप में, सारी शॉप में अगर आप बोलें कि आपको जो कपड़ा पसंद आता है आप उसी वक्त खड़े खड़े आपको वो बेडशीट बना के भी दे देते हैं, और उन्हीं पैसों के अंदर उसमें एक्स्ट्रा मनी आप लोगों को नहीं देनी पड़ती। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप लोग घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर होटल वगैरह या फिर इस तरह की जगहों पे यूज़ होता है कपड़ा,
जो फिटेड शीट्स बनती हैं उनमें ये ज़्यादा यूज़ होता है कपड़ा। तो ये भी अच्छी फिटेड शीट्स बन सकती हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं, ये आप लोगों को सारे कलर दिखा रही हूँ, इसमें और भी कलर हैं। तो काफ़ी अच्छे कलर थे माशाल्लाह से, और रेट सेम ही है जितना जो अंदर वाली बेड शीट्स का है और बाहर वाली का सेम ही है। ज़रूर जाइएगा आप लोग, चक्कर लगाइएगा। मुबारक दिन है, मुबारक महीना आने वाला है, और आप लोग भी अपने अपने घरों की सफाई करें। थोड़ा अगर नई चीज़ें नहीं ला सकते तो पुरानी ही चीज़ों को साफ़ सुथरा करें, और अपने घर को थोड़ा पुरौनक बनाएं, खूबसूरत बनाएं थोड़ा बहुत, ताकि रमज़ान में आप लोगों को ये सारे काम ना करने पड़े, आप लोग इबादत में ज़्यादा टाइम सर्व करें। ये कुछ बच्चों के रूम्स की बेड शीट्स का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रूम्स के लिए, ये आप लोगों को दिखा रहे हूँ। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, मैं फ़िलहाल अंदर से ले रही थी क्योंकि अब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हैं इसलिए वो ये नहीं यूज़ करते, तो उस हिसाब से मैंने अंदर से बाय कर ली हैं। लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैं जो है डिफरेंट शॉप से बाय करती हूँ। आज ये जहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्क की उसके सामने ही एक शॉप थी, वहाँ से बाय कर रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाइएगा, ज़रूरी नहीं है एक ही शॉप है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, डिफरेंट हैं, सबके रेट सेम हैं। और इस एरिया में काफ़ी अच्छी और भी बेशुमार चीज़ें हैं, लाइक मसाला वगैरह है, या फिर आपकी जो ज्वेलरी वगैरह है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं, कपड़ा और पर्दे, और दूसरा जो आप पहनने वाला कपड़ा है, बच्चों के कपड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हैं यहाँ पर चीज़ें हैं बेडरूम से रिलेटेड, काफ़ी चीज़ें हैं लाइक कंबल वगैरह हैं, ब्लैंकेट वगैरह हैं, दूसरे जो कंफर्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ से आप कंफर्टर के जो कवर वगैरह हैं या फिर जो रज़ाई आप लोग लेते हैं उनके कवर भी ये बना के बहुत अच्छे देते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चक्कर लगाइएगा, देखिएगा, कपड़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। शारजा में जाइएगा, रोला मार्केट है और काफ़ी लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं, बहुत ही रीज़नेबल मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा जो है नॉर्मल रेट है इनके, बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं है जैसे मॉल वगैरह के अंदर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस लो है चीज़ों की, क्या कपड़ा, क्या जूता, क्या जो भी रेडीमेड कपड़े हैं या फिर इस तरह की कोई चीज़ें लेनी है आपने, रेट जो है वो बहुत नॉर्मल है। अगर मॉल से आप लेते हैं तो वही रेट आपको डबल लगते हैं, तो सो थोड़ा सा बंदा निकल के चीज़ें जाके बाय कर लेता है और मुनासिब जो है वो प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम निकल रहे हैं बाहर यहाँ से, और ये बाहर के एरिया क्या आपको दिखा रही हूँ, मसाले वगैरह ऐसे आप गुज़रते जाएंगे, आपको इसी तरह की शॉप्स नज़र आती जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अंदर मैं नहीं गई, मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। डिफरेंट टाइप के मसाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुल्तानी मिट्टी वगैरह या इस तरह के जितने पंसार टाइप चीज़ें होती हैं वो सारी हैं। और कपड़े यहाँ मैं आपको गलियाँ पूरी दिखा रही हूँ, इसी तरह के पूरे 4-5 एरिया बने हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ईद की शॉपिंग करनी है, रमज़ान की शॉपिंग करनी है तो यहाँ से आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आज शबे बारात है और शबे बारात के हवाले से मुबारक दिन है, और जो जो ये मेरी वीडियो देखेगा ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हो गई है यहाँ शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ पूरा आप लोगों को मैं दिखा रही थी इसलिए सारी चीज़ें विज़िट करवा रही थी, क्योंकि हमारी जो बेड शीट्स हैं वो सिलने के लिए गई थी तो वो काफ़ी देर हमें यहाँ वेट करना पड़ा। तो उसके बाद बच्चों को लग रही थी भूख और हम थोड़ा बहुत थोड़े स्नैक्स वगैरह खाने के लिए पाकिस्तान स्वीट्स एंड बेकर की तरफ निकल गए, और ये करीब ही था, उसी एरिया की तरफ था थोड़ा सा करीब, सोचा कि चलो कुछ समोसा या चाट या इस तरह की कुछ चीज़ें खाते हैं। किसी एक ने कुछ स्वीट्स में फलूदा वगैरह लिया, किसी ने चाट ली, किसी ने पापड़ी चाट ली, किसी ने समोसा चाट ली, किसी ने गोलगप्पे लिए, और सोचा कि चलो सबके साथ मिल बैठ के खाते हैं और आज की जो शाम है वो एंजॉय करते हैं। तो यह आपको कुछ इनके रेट्स वगैरह दिखा रही हूँ और इनके पास जो वैरायटी है वो दिखा रही हूँ। हमेशा से, शुरू से जब से मैं यहाँ पे दुबई में
हूँ, यहाँ ही आके हम खाते हैं। अगर हमारा दिल करता है चाट वगैरह खाने का या कुछ मीठा खाने का, या तो एक और शॉप है उसकी भी मैंने एक दफ़ा वीडियो लगाई थी, या वहाँ जाते हैं या फिर इधर आ जाते हैं। ये शारजा एरिया में है, पाकिस्तान सुपरमार्केट के करीब बिल्कुल सामने। और ये कुछ लोकेशंस हैं, एक शारजा में है इनकी शॉप, एक दुबई में है, एक अजमान में है। और यहाँ हम शारजा में हैं और ये उनका है बेस्ट फलूदा, कुल्फ़ी डाल के उन्होंने दिया है और बड़ा ही अच्छा, बड़ा रिफ़्रेशिंग और मज़े का लग रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने लिया था समोसा चाट और समोसा उन्होंने दो डाल दिए, मैंने एक ऑर्डर किया और दो समोसे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था मेरे लिए। मैंने फिर रात का जो डिनर था वो स्किप कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये खा लिया था और ये मुझे डाइजेस्ट होना ज़रा बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से डिनर जो कैंसिल करना पड़ा। ये थी दूसरी प्लेट पापड़ी चाट, और इसके बीच में भी एक समोसा डला हुआ है। ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इसकी लुक कितनी अच्छी है। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे गोलगप्पे, और यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं। काफ़ी सारी शॉप्स में मैंने खाए हैं, इंडियन शॉप्स में अक्सर जो है वो खट्टा पानी जो बनता है, इमली का पानी बनता है, उसमें मिर्चें काफ़ी डाल देते हैं, वो बिल्कुल भी गोलगप्पे के साथ नहीं जाता, टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो ये बेस्ट है, ये अच्छा लगता है। ये समोसा चाट जो है वो ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के सामने, बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। और एक गोलगप्पा भी मैंने टेस्ट के लिए आप लोगों को बताने के लिए टेस्ट किया, इसका भी टेस्ट अच्छा था। थोड़े से आलू कम थे इसके अंदर, जो इसकी मिक्सचर बना हुआ था, बाकी ठीक था, सारा टेस्ट अच्छा था। ये चटनियाँ इनकी बेस्ट हैं, आप लोग अगर गए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चेक कीजिए, लुक चेक कीजिए, और टेस्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी कि टेस्ट कैसा है। बहुत मज़े का खट्टा, मीठी चटनी तो मैं यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं अच्छी लगती, मीठी चटनी नहीं डाली थी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। ये मैं पापड़ी चाट और जो समोसा चाट दोनों मिक्स करके खा रही हूँ, दोनों बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अब हम आ गए हैं घर और आप लोगों को आके दिखा रही हूँ। ये वाली कुछ बेडशीट्स मैंने ली हैं रूम्स के हिसाब से, जो कर्टन लगे हैं उस हिसाब से, तो ये कुछ ली हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ जो हैं अभी मैंने सिलने के लिए दे आई थी, वो मुझे शायद एक दो दिन के बाद मिलेंगी, तो कुछ जो मिल गई हैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सिंगल हैं, सिंगल बेडशीट है, भी बहुत प्यारी है, प्रिंट जो है वो बहुत अच्छा है, डिफरेंट टाइप का है, फ्लावर्स वगैरह नहीं हैं, थोड़े कम हैं। और ये मेरे अपने रूम के लिए है डबल बेड शीट जो है वो, इसकी खूबसूरती भी चेक करें, ये भी कितनी प्यारी है। और कपड़ा ख़ास तौर पे बहुत सॉफ्ट है, मैं कॉटन वगैरह की ही यूज़ करती हूँ बेड शीट्स, बहुत ज़्यादा जो खड़ी खड़ी कॉटन होती है वैसी नहीं यूज़ करती, क्योंकि जब वो वॉश करते हैं तो ऐसे बिल्कुल हार्ड हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे गर्मी होती है और गर्मी में वो सूटेबल नहीं है। एक ये जो है प्रिंट मैंने पसंद किया था, भी काफ़ी प्यारा है, आप लोगों को मैं अपने बेड के ऊपर डाल के भी दिखाती हूँ। मैं चेक करूँगी, पहले मैं उनको कह के आई थी कि मैं चेक करूँगी, कुछ जो बेड शीट्स लेके आई थी चेक करने के लिए, ये सारी चेक करने के लिए लेके आई हूँ कि साइज़ ठीक है कि नहीं, अक्सर साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, तो इसलिए मैं चेक करके उन्हें फ़ोन करके बताऊँगी कि ये ठीक है या नहीं। तो ये सब ठीक आई हैं, अच्छा भी लग रहा है, तो ये देखिए प्रिंट कितने अच्छे हैं। और आज के व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।